हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट सेकंड चैप्टर की नई वीडियो क्लास टेंथ के लिए लेके आ चुका हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर एचबीएससी एंड सीबीएसई दोनों के लिए। तो इसमें हम दो क्वेश्चन करेंगे, व्हाट आर एसिड एंड बेस, और दूसरा क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। पिछली वीडियो में हमने रस्टिंग ऑफ आयरन और रिडॉक्स रिएक्शन की थी, मैं आपको उसका लिंक पिछली वीडियो इस वीडियो में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एसिड एंड बेस। तो एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं? तो एसिड आर दोज विच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव H+ आयन। उसको क्या बोलेंगे, एसिड, H+ आयन, इट इज कॉल्ड एसिड। ठीक है, जैसे HCl है, HCl को हम अगर तोड़े तो किस में टूटेगा, H+ और Cl नेगेटिव। तो ये जो हमारा बना है H+, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि इसने इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब टूटता है तो किस में टूटेगा, H+ और Cl नेगेटिव में। ठीक है, तो अब आ जाते हैं बेस पे। अब बेस क्या होते हैं, तो बेस आर दोज विच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव OH नेगेटिव आयन, यानी हाइड्रोक्साइड आयन। तो उसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड बेस। उसको क्या बोलेंगे, बेस। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे वाटर है, वाटर को तोड़ लूँ तो वाटर किस में टूटता है, वैसे तो क्या है, H2+O2 में टूटता है। अगर हम इसको रिएक्शन कराएं तो किस में टूटेगा, क्योंकि वाटर में क्या होता है, H भी होता है, OH नेगेटिव आयन भी होता है, इनमें इसमें दोनों ही होते हैं, तो किस में टूटता है, OH नेगेटिव आयन में और H+ आयन में। तो जो OH नेगेटिव आयन है, जो दिया है किसने, वाटर ने, यानी बेस ने, या फिर NaOH ले लो, NaOH है, अब वो किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये जो इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसने क्या दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ने टूट के Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, तो इसको बोल लेंगे बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ये मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं, द एसिड विच डिसोसिएट इन वाटर कम्प्लीटली इट इज़ कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब ये हुआ कि जो एसिड पानी में पूरी तरह से घुल जाए और घुलने के बाद वही H+ आयन दे दें, तो उसको क्या बोल लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो एसिड पूरी तरह से पानी में ना घुले उन्हें क्या बोल लेंगे, वीक एसिड। तो HCl, H2SO4 और ये CH3COH, ये तो हैं किसके, वीक एसिड के एग्जांपल, और ये हैं, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड के हैं। ठीक है,
एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। एसिड क्या होते हैं? जो पानी में घुलने के बाद एच प्लस आयन दे, और बेस वो होते हैं जो पानी में घुलने के बाद ओ एच नेगेटिव आयन। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो पानी में पूरी तरह से घुल जाए, और वीक एसिड वो होते हैं जो पानी में पूरी तरह से ना घुलें। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।